हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी लोगों का हमारे स्पिरिचुअल स्टडीज में वेलकम है। करवाएंगे देखिए क्लास 10th जैक बोर्ड फर्स्ट टर्म मॉडल क्वेश्चन पेपर सेशन 21-22 फुल एमसीक्यू करवाया जाएगा सॉल्यूशंस के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेट नंबर आपका ये 2 है। इसके पहले सेट नंबर 1 वीडियो बनाया है, जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहाँ से हमारे सेट 1 का क्लास 10th का वीडियो अवश्य देख लें। आइए तो करवाएं, सभी का करवाया जाएगा आंसर। हाँ, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर दें। आइए देखिए, टाइम 1 hour 30 minutes है, इंस्ट्रक्शंस है 40 questions पे, पता ही होगा। देखिए पैसेज दिया गया है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ पंचुअलिटी इज दैट गिवन डिसिप्लिन अप टू लाइफ। यहाँ पे देखिए पूरा आपको बढ़िया से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, एनालिसिस बढ़िया तरीके से हर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, और आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ इसका आंसर बताया जाएगा। आइए आते देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का तय पैसेज पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या होता है। बहुत यहाँ बात हुआ है डिसिप्लिन के बारे में, पंक्चुअलिटी बहुत ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है। वी हैव टू गेट अप इन टाइम, वी हैव टू डिस थिंग्स एट द अपॉइंटेड टाइम। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, हु गेट्स कॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस, कौन प्राप्त करता है कॉग्निशन पहचान और सामाजिक एक्सेप्टेंस को स्वीकार कौन करता है। तो ए पर्सन हु डिसिप्लिन, जिसके पास क्या हो डिसिप्लिन हो, मीन्स 1 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वन वर्ड फॉर इट इजी एटीट्यूड इज, हम पढ़िए क्वेश्चन तो आपका वहाँ पैसेज के अनुसार होगा ऑप्शन नंबर बी लेज, यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी का एडवांटेज फायदा क्या है। तो इट मेक्स लाइफ ग्रेट, बहुत ही लाइफ क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, महान हो जाएगा अगर पंक्चुअलिटी को आप ध्यान देते हैं। 3rd का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ, सिंबल क्या करता है अकॉर्डिंग टू, देखिएगा पैसेज को तो करता है वर्ल्ड लीडर्स को, मीन्स 4th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सिनोनिम फॉर गुडनेस, गुडनेस मतलब होता है अच्छाई। अब इसका कह रहा है सिनोनिम मतलब होता है देखिए सेम मीनिंग, एक ही मीनिंग हो जाएगा देखिए वर्चू आपका, मीन्स 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ देखिए, कह रहा है पपाया का बात, पपाया क्या है हेल्थीस्ट फ्रूट होता है लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज के रूप में, जो लॉन्ग एग्जिस्टिंग पपाया फेवर्स डाइजेशन एज वेल एज क्योर्स स्किन इरिटेशन एंड सनबर्न। क्या करता है पपाया फेवर्स का डाइजेशन पहचाने के लिए अच्छा होगा, साथ ही साथ स्किन इरिटेशन के लिए और सनबर्न के लिए बहुत अच्छा है पपाया आपका। आइए तो पैसेज कर लीजिएगा। कह रहा है द पैसेज इज अबाउट, किसके बारे में कह रहा है, तो पैसेज कह रहा है क्या कि आपका प्रॉपर्टी पपाया का क्या प्रॉपर्टी जो क्या है, इसे बेनिफिट है वो बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, चूज एन ऑप्शन विच इज़ नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है अबाउट पपाया के बारे में। इट स्किन इरिटेशन बिल्कुल सही, हेल्दी के लिए भी होता है, इट हेल्प्स डाइजेशन, इट ऐसे मदद करता है, इट फेवर्स जो दिया गया वो क्या होगा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे, आपको देखिएगा तो डाइजेशन भी सही है, यहाँ पे अगर देखा जाए चारों पर लगभग सही हो रहे हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पपाया कैन बी ईटन एज, खाया था सलाद के लिए कुक्ड और बॉइल्ड, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। व्हाट इज फाउंड इन रॉ पपाया विच हेल्प्स टू क्योर इंटेस्टिनल इरिटेशन, रॉ पपाया जो इसमें से कौन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी है पेपेन, पेपेन जो कौन है रॉ पपाया है आपका, बॉस ए एंड बी नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पेपेन जो है रॉ पपाया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। व्हाट हैपेंस, क्या हुआ, क्या होता है व्हेन वन ईट्स राइप पपाया रेगुलरली, अगर एक पपाया खाया जाए तो क्या हो जाए, इट करेक्ट्स हैबिटेंट कंस्ट्रक्शन होगा, इट हील्स ब्लीडिंग पाइल्स, निकलता वो नहीं निकलेगा पपाया के लिए अगर खाया जाए तो, इट हील्स क्रोनिक डायरिया को प्रॉब्लम करता है, यानी कि होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट, कहता है एज्यूम योर सेल्फ एज सुनीता सुरेश राइट एप्लीकेशन योर हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, कंप्लीट द फॉर्म, क्या करना है फॉर्मेट कंप्लीट करना है चूजिंग सुटेबल ऑप्शंस दिया गया। देखिए कहता है टू डैश, यहाँ पे देखिए अब आइए ऑप्शन में तो क्या होगा, टू द हेडमास्टर होगा, देखिए कॉमा लगा हुआ है, मिस हो जाएगा आप कैसे, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11th ऑप्शन नंबर ए होगा टू द हेडमास्टर। तो कहता है यहाँ पे सर वी हैव ए लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 minutes एवरी सैटरडे को होता है, वी कैन नॉट मेक, आइए ऑप्शन वी कैन नॉट मेक, ठीक है वी नॉट कैन नॉट मेक द क्या हो जाएगा द बेस्ट ऑफ दिस पीरियड, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12th का करेक्ट आंसर होगा। पढ़ते देखिए 13 नंबर क्या कहता है आपका, इट इज़ बिकॉज मेनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द
अवेलेबल कहाँ पे नहीं है तो स्कूल लाइब्रेरी में बात होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 13 का। पढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए 14 क्या का समझ लेंगे यहाँ पे। पहले सेल्फ क्या बोलेंगे, थैंकिंग टू यू, कहा जाता है थैंक यू, जब लिखते लेटर तो बोलेंगे थैंकिंग। 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए लास्ट कहता है 15 नंबर आपको लेटर में कहता है क्या चाहिए आपको डैश, तो यहाँ हो जाएगा योर्स ओबीडियंटली हो जाएगा, योर्स ओबीडियंटली मीन्स 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कंप्लीट द लाइंस यूजिंग यू टेबल ऑप्शन, आई डैश दिस वॉच लास्ट ईयर, मैंने क्या किया खरीदा, तो हो जाएगा बाउट, बाउट खरीदा होता है या हम अंतिम साल खरीदे थे, तो 1 का 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, वीडियो बहुत अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ही डैश फॉर रांची स्टडी, मतलब जो बीता हुआ तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वाई आर यू क्या हो जाएगा नोइज, आर यू क्या आई एन जी लगता है, तो हो जाएगा वाई आर यू मेकिंग नोइज, ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। द गर्ल्स आर डैश को द गर्ल्स आर सिंगिंग हो जाएगा यहाँ पे 19 का ऑप्शन नंबर ए, द गर्ल्स आर सिंगिंग ए कोरस। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है, थी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, मीन्स 20 का ऑप्शन नंबर सी कैटा होगा। स्पीक्स मतलब होता है क्या चीज, हमेशा सच बोलना, ट्रूथ सच बोलना, स्पीक्स मतलब बोलना। आइए बढ़ते हैं चूज सेंटेंस पैसिव वॉइस में करना है, कहता है सी हेल्प्स मी, देखिए मी का हो जाएगा आई, तो हो जाएगा आई का लगेगा एम, और देखिए पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, आई एम हेल्प्ड बाई हर, मीन्स की ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 21 का ऑप्शन नंबर ए। आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, टू सुटेबल इन पैसिव वॉइस इन द गिवन सेंटेंस, यू रैंग द बेल, हो जाएगा द बेल वॉज रंग बाई यू, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है द बेल वॉज रंग बाई यू। बढ़ते हैं फिर 23 नंबर की ओर। फिर इन द ब्लैंक चूजिंग सुटेबल मॉडल करना है, कहता है डैश आई कम इन, क्या बोलते हैं जब जब कहीं पे लेते हैं परमिशन तो बोलते हैं मे आई कम इन मैडम या सर, सी हो जाएगा ऑप्शन। रीड द एक्सपर्ट गिवन बिल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, द हाउस द ओनली वन इन द इंटर वैली एंड सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, क्वेश्चन देखिए आते हैं वेयर वाज द हाउस, ये घर कहाँ स्थित है, स्थित है ऑन द देखिए लो हिल में है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 नंबर की ओर। 5 कहता है व्हाट कैन बी सीन फ्रॉम द हाउस, क्या दिखता है वहाँ, द रिवर द फील्ड ऑफ राइट फॉर मिस बॉथ ए और बी दोनों होगा आंसर। पढ़ते हैं 26 नंबर की ओर। व्हाट डज द अर्थ नीड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, गुड हार्वेस्ट के लिए जरूरत क्या है, फ्लावर्स, में 26 का ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। ए वर्ड फॉर हैप्पी, देखिए हैप्पी का मतलब होता है डाउन पावर, क्या होता है हैप्पी मतलब बहुत भारी वर्षा होना, डाउन पावर हो जाएगा डाउन पावर। बढ़ते हैं 28 नंबर की, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू गिवन ऑप्शन, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, किसके बारे में बात किया गया, देखिए सीगुल की फर्स्ट फ्लाइट जो बात है उस सीगुल के बारे में बात हुआ है, सी हो जाएगा। 29 नंबर की आते हैं, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ एस रिटर्न बाय एन, क्या थी वो टॉपिक, होता है ए चैटर बॉक्स, क्या चैटर बॉक्स होता है बहुत बड़ा बड़ा बोलने वाला, उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स थी एनी, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर, हु इज द ऑथर या द राइटर ऑफ द लेसन रिलेटेड टू गॉड को, कौन लिखा गया, इसके लेखक का नाम बताना है, उसके ऑथर का नाम था देखिए जी एल फ्यूंटस, मीन्स क्या होगा आपका 30 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जी एल फ्यूंटस। आइए बढ़ते हैं 31 नंबर की ओर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोयम एज, कौन सा पोयम लिखे हैं, देखिए डस्ट ऑफ स्नो लिखे हैं, आइस एंड फाइव दोनों लिखे हैं, इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बॉथ ए एंड बी जो लिखा गया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। आइए बस 32 नंबर की ओर। हु हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका टाइगर। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द एक्सपर्ट गिवन बिलो, दिया गया आपको अभी कुछ ड्राइव करना है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, कहता है हु कंपेयर डी लाइन्स, कौन कंपेयर करते हैं इसको, कौन लिखा गया है लेसली मॉरिस के द्वारा लिखा गया है, 33 का ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर की ओर, व्हाट डज स्टॉक्स मीन, देखिए स्टॉक मतलब होता है हंट्स, मतलब किसी का शिकार करना, 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 35 नंबर के आते हैं, ही इज यूज फॉर होम, किसके लिए यूज किया गया है टाइगर, 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन आंसर करना है। 36 नंबर,
विच ऑफ द गिवन करेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी ए टीम फजरीस में से कौन नहीं है। देखिए जेम्स हेटफील्ड यहाँ आपका करेक्टर है, मिसेस पम्फेरी भी था, ट्रिकी भी था, तो यहाँ ऑजेबल जो है इस करेक्टर में नहीं आता है, फजरी में ऑजेबल करेक्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 37 नंबर की, व्हाट वाज द कॉज ऑफ ट्रिकीज एलमेट, क्या कॉज था, ओवर ईटिंग, लैक ऑफ साइज में, बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़े 38 नंबर की ओर, हु वाज अनिल अनिल इन द द थीप्स स्टोरी में अनिल जो है क्या है, अनिल एक मैगजीन राइटर था, क्या था, अनिल एक मैगजीन राइटर था, द थीप्स स्टोरी में मनी एक अनिल मैगजीन राइटर है। 38 का ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 39 की ओर, हु हैज़ रिटेन द स्टोरी, द थीप्स स्टोरी कौन लिखा गया, लिखा गया था रस्किन बॉन्ड, रिटेन बाई द थीप्स स्टोरी वॉज रिटेन बाई रस्किन बॉन्ड। 38 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आइए आते लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज हरी सिंह ए सक्सेसफुल हैंड एट, क्या था, कुकिंग, बोरोविंग मनी, रॉबिंग, कुल मिला के यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेट नंबर 2 का वीडियो लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लास 10th का जैक अबाउट सेट 2 का वीडियो अच्छा लगा होगा, सेट 1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया तो उसका भी देख लें, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दिसंबर में। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अभी तक लाइक नहीं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, और हाँ प्रेस द बेल आइकन को प्रेस अवश्य करेंगे, वो ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आपको मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।